So alright, this video is dedicated to all those girls who are going to become bahu. Yes, bahu. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन हर किसी लड़की को अपना बाबुल का घर छोड़ के अपने ससुराल जाना होता है. ओके, जब ससुराल जाना ही है तो क्यों ना हम अपने कुछ ऐसे राइट्स समझें जिससे कि आपका एक्सप्लॉयटेशन होने से बचे. ओके, जिससे कि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो. आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हम किसी रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ की रिपोर्ट देखते हैं रिगार्डिंग वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, तो आपको पता चलेगा 90% जो गर्ल्स हैं वो अपने ससुराल पक्ष वाले से दुखी हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है अच्छे से. ओके, बट यू डोंट वरी, योर बॉय इज हेयर. सो लेट्स डिस्कस द राइट्स. सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर टाइम. लेट्स नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल सेकेंड. लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रो. Up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. It's a big schedule, airtight. I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you. So okay, the first and very basic right is right to residential. Okay, रहने का अधिकार. जनरली एक लड़की अपना घर छोड़ के ससुराल में आई है तो वो रहेगी. ओके, ये तो हो गया एक सिंपल राइट. लेकिन इसमें क्या होता है कभी कभी, सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, आई एम नॉट सेइंग फॉर एनीवन. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज एक हस्बैंड है, वाइफ है, और हस्बैंड कुछ समय बाद डिप्रेशन में चला जाता है आफ्टर मैरिज. एक या दो साल बाद डिप्रेशन में चला जाता है और वो घर छोड़ के चला जाता है. ओके, वो घर छोड़ के चला जाता है और वापस आता नहीं है. तो ऐसे में क्या होता है कि फैमिली वाले, हस्बैंड की फैमिली वाले बहू पर प्रेशर बनाते हैं कि तेरा हस्बैंड यहाँ पर नहीं है तो तू यहाँ से जा. ओके, तो ऐसे में क्या है, आपको राइट है अपने ससुराल में रहने का. ओके, हस्बैंड डिप्रेशन में जाए, कहीं भी जाए, आपको राइट है उस घर में रहने का. सो द नेक्स्ट राइट इज राइट टू स्त्रीधन. ओके, इस राइट को समझने से पहले हम समझेंगे स्त्रीधन क्या होता है. स्त्रीधन वो होता है जो एट द टाइम ऑफ मैरिज आपका रिलेटिव आपको कोई गिफ्ट दे. ओके, डोरी से हटके अलग से कोई पर्सनल गिफ्ट दे. सपोज डैडी ने कोई आपको जमीन दिया है, कोई भी गिफ्ट दिया है, कुछ भी, वट एवर इट इज, कोई ब्रदर ने कुछ भी दिया है, तो ऐसे में उसको स्त्रीधन कहा जाता है. ओके, ऐसे में क्या होता है, जब आप ससुराल जाते हो तो वो लेके जाते हो तो आपको, आपका उस पर सारा कुछ अधिकार होता है. तो आपके ससुराल वाले उसको आपसे छीन नहीं सकते आपकी बिना मर्जी के. जब तक आपकी कंसेंट नहीं होगी, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी, तब तक वो आप उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, ना ही उसे आपसे छीन सकते. ओके, उस पर आपका सारा राइट बनता है. ओके, सो मूविंग ऑन द थर्ड राइट. द थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट डोरी. आपसे वो दहेज नहीं मांग सकते. जनरली ये सोचते हैं कि लोग शादी से पहले ही दहेज मांगा जाता है, बट ऐसा नहीं है. लेकिन कुछ लोग शादी के बाद भी दहेज मांगते हैं. ओके, तो ऐसे में आपको राइट है राइट अगेंस्ट डोरी. आपको दहेज नहीं देना उनको. ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट राइट. द नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि लड़ाई होती है, मारपीट होती है. ओके, फिजिकल टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर में आ गया लड़ाई. ओके, हाथ उठाना. मेंटली टॉर्चर हो गया, जैसे कि किसी को गाली गलौज देना. ओके, बहू को गाली गलौज करना, कोई भी उसे ऐसी बात कहना जिससे कि उसका मेंटली टॉर्चर हो, कोई भी इमोशनली टॉर्चर हो. इमोशनल इन द सेंस कोई ऐसी बातें कहे जिससे कि आप इमोशनल हो जाओ. सपोज वो आपका हस्बैंड या आपकी हस्बैंड की फैमिली वाले बोले कि ये काम कर दे नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी या मैं सुसाइड कर लूँगा. ओके, एक मेंटली टॉर्चर हो गया. ओके, ओके, सो द नेक्स्ट एंड वेरी बेसिक राइट इज राइट टू टेक मेंटेनेंस. ओके, मेंटेनेंस में आता है मेडिकल फैसिलिटीज़, फूडिंग, क्लोथिंग. अगर आप ससुराल में हो तो आप इन चीज़ों में से अपनी चॉइस की कोई भी चीज़ ले सकते हो. ओके, फूडिंग, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़. मेडिकल फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशल. ओके, यू हैव राइट टू टेक दीज फैसिलिटीज़. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट राइट. द नेक्स्ट राइट इज राइट टू एजुकेशन. कभी कभी क्या होता है, कुछ गर्ल्स लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ मनी के कारण अपनी स्टडीज अपने मायके में पूरी नहीं कर पाती. ओके, तो ऐसे में आपको राइट बनता है कि आप अपनी पढ़ाई अपनी ससुराल में कंटिन्यू कर सकें. ओके, अपने ससुराल में कंटिन्यू कर सकें. ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट राइट. द नेक्स्ट राइट इज राइट टू वर्क. कभी कभी क्या होता है या फिर जनरली क्या होता है, कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है. ओके, तो ऐसे में एक जज्बा होता है कि यार हम भी काम करें. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ससुराल पक्ष वाले अपनी बहुओं को काम नहीं करने देते. ओके, तो ऐसे में आपको राइट बनता है कि आप अपना काम कर सकते हो, कोई भी वर्क, कोई भी जॉब. ओके, कोई भी बिजनेस. ओके, राइट है. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट राइट. द नेक्स्ट राइट इज राइट टू चॉइस फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. ओके, ये नहीं है कि हस्बैंड पे डिपेंड होगा कि कितने चिल्ड्रन होंगे, ये आपकी अपनी कंसेंट है. ओके, आपका पूरा कंट्रीब्यूशन है इसमें, ये आपकी कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता. ओके, अगर आप चाहते हो कि एक ही चिल्ड्रन रहे तो एक ही रहेगा. ओके, अगर आप दोनों चाहते हो तो भी सेम रहेगा. लेकिन अगर हस्बैंड चाहता है कि नहीं,
नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होने चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता. ओके, आपको राइट है इसको मेंटेन करने का. सो द लास्ट एंड वेरी क्रीपी राइट इज राइट अगेंस्ट जबरदस्ती. ओके, राइट अगेंस्ट जबरदस्ती. आपका हस्बैंड आपके साथ जबरदस्ती कोई भी रिलेशन नहीं बना सकता, आई मीन फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता विदाउट आपकी कंसेंट के. ओके, अगर वो ऐसा करता है तो वो रेप की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा. ओके, और उसको रेप की डेफिनेशन के तहत उसको सजा भी हो सकती है. ओके, तो बिना आपकी मर्जी के वो आपसे कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता, इवन टच, किस, सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके, तो दैट्स बीइंग क्लियर, दैट्स बीइंग फाइनल. ओके, ये तो हो गए आपके कुछ राइट्स रिगार्डिंग योर ससुराल. अगर ये राइट्स आपके वॉयलेट होते हैं तो क्या आपके पास ऑप्शंस है? ओके, क्या रेमेडीज है, क्या प्रोसीजर है? सो रेमेडी नंबर वन इज वुमेन हेल्पलाइन नंबर. आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो. ओके, आप उन्हें मैटर बता सकते हो. अगर जो मैटर है वो आपका इंटॉलरेंट है, जो सहा नहीं जा रहा है और इंस्टेंटली आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट रेमेडी इज FIR. आप FIR करा सकते हो. अगर जो मैटर है वो काफ़ी सीरियस नेचर का है तो आप FIR करा सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन. ओके, सो बेहतर रहेगा कि आप ऑनलाइन FIR कराएं किसी साइबर कैफे से जाके, ये आपके लिए बहुत ईजी होगा. सो द नेक्स्ट रेमेडी इज कोर्ट कंप्लेन. अगर मैटर क्रुएलिटी का है या फिर कोई दहेज का है तो आप कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो और केस फाइल कर सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट रेमेडी इज NGO. किसी भी रिकॉग्नाइज्ड NGO से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो वुमेन के राइट्स के रिगार्डिंग डील करता हो. आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, वो आपको कुछ सॉल्यूशन दे देंगे. ओके, सो द नेक्स्ट रेमेडी इज वुमेन कमीशन. ये दो लेवल पे होता है, नेशनल एज वेल एज स्टेट. डिपेंड करता है आप जो अपना मैटर है वो कहाँ तक ले जाना चाहते हो, किस लेवल तक ले जाना चाहते हो. अगर आप चाहते हो कि जो ये मैटर है बड़े लेवल पर अराइज हो तो आप नेशनल वुमेन कमीशन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अगर चाहते हो स्मॉल तो स्टेट वुमेन कमीशन में. ओके, अपने प्रिस्क्राइब स्टेट, जो आपका प्रिस्क्राइब स्टेट है. ओके, सो दैट्स कंक्लूड द वीडियो एंड इट्स ऑल अबाउट राइट्स एंड रेमेडीज रिगार्डिंग योर ससुराल. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो आई विश कीप हैप्पी इन योर ससुराल. ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज. मीन वाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.